ये देखें जी, ये बनौला है जी, ये बनौला मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये बनौला है जी। बनौला जो है ये, इसके अंदर ये बीज होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं इसके अंदर, ये गुठलियाँ जो हैं इनके अंदर बीज होता है जी। तो ये बीज जो है इसके अंदर ऑयल होता है, तो ये ऑयल निकाला जाता है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हैप्पी व्लॉग में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज जनाब जहां मैं आपको जिस जगह पे लेकर आया हूं जी, इस जगह पर जो है जी बनौला जो है ये देखें जी सुखाया जा रहा है। तो ये बनौला जो है ना जी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये बनौला जो है, ये देखें जी, ये बनौला है, ये यहाँ पर जो है ना जी बनौला सुखाया जा रहा है। ये देखें जी, ये बनौला बेसिकली तौर पर रुई में से निकलता है। तो ये जो है ना जी रुई में से कॉटन फैक्ट्री में से परचेज़ करके लाते हैं तकरीबन 1600-1700 मन के हिसाब से, और फिर यहाँ पर जो है ना ये सुखाया जाता है ये बनौला। इस बनौला के जो है ना जी बहुत से जो है काम है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ जी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए नाज़रीन अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि ये बनौला में से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बनौला जो है ना जी बेसिकली काटन का आप सीड कह सकते हैं इसको, जो रुई निकलती है उसका सीड होता है ये बनौला। जो इसके अंदर जो है ना जी, ये बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये देखें जी आपको दिखा देता हूँ, ये इस शक्ल में होता है जी, इस शक्ल में ये होता है, ये देख लें। तो इसके अंदर जो है ना जी ऑयल होता है, ये ऑयल जो है जी बेसिकली तौर पर इसका इस्तेमाल जो होता है, ये ऑयल इसमें से निकाल के तो घी मिलों वाले, ऑयल मिलों वाले ले जाते हैं। ऑयल मिल वाले जो होते हैं जी वो इसमें से जो है ना जी खल वगैरह तैयार करते हैं, खल बनती है इसके बीज में से। इधर लेबर आई हुई है, ये सारी लेबर जो है जी ये इधर से ये सुखाई कर रही है बनौला की। बनौला के यहाँ पर आपको हर तरफ जो है ना जी, ये देखें जी स्टाक लगे पड़े हैं, ये इन्होंने गटुओं में से निकाल के यहाँ पर बनौला फेंका हुआ हर तरफ सुखाने के लिए। यहाँ पर इसको धूप लगेगी, वो ट्राली सामने आई हुई है, यहाँ से जो है ना बनौला को अनलोड किया गया और यहाँ पर जो है ना सुखाई के लिए रखा गया। ये तकरीबन 2-1 घंटे जो है यहाँ पर इसकी सुखाई होगी, 2 से 3 घंटे बाद ये सूख जाएगी, फिर ऑयल फैक्ट्रियों वाले और घी मिलों वाले इनसे ये ले जाएंगे आकर, और फिर जो है वो इधर से इसके अंदर से तेल निकाल कर घी तैयार करेंगे और खल वगैरह तैयार करेंगे इस बनौला की। ये देखिए जी, ये लोडिंग के लिए जो है ना ये ट्रक वगैरह, ये ट्राले वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ट्राला जो है ये बनौला जो है लोड करके लाया है, और जो है ना जी इस के ऊपर ये गट्टुओं के अंदर जो है बनौला है। ये देखिए जी, ये वो ट्राला है जिसके अंदर जो है ना जी लोड होकर ये बनौला के गट्टू और बोरियां आई हुई हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। इस ट्राले पे लोड होकर आई हैं जी, ये पीछे से कॉटन फैक्ट्रियों से, कॉटन मिलों से जो है ना जी ये बनौला लोड होकर आता है। तो ये इसका कैरिज है जिसके ज़रिए यहाँ पर ये जो है ना जी बनौला आया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। इसका रेट जो है ना जी 1600-1700 रुपये मन जो है, ये कॉटन मिलों से वहाँ से लोड होता है उनके लिए, कॉटन मिलों के लिए ये वेस्टेज होती है। तो इसका सीड जो है ना वो उसका जो है ना ऑयल निकलता है और वो इस्तेमाल में आता है, इसलिए काटन मिलें वगैरह जो है वो इसको सेल आउट कर देती हैं और फिर वहाँ से ये परचेज़ करके यहाँ पे सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो है घी मिलों वाले और ऑयल मिलों वाले ले जाते हैं और वो अपना जो है ना इस्तेमालात में इसको लाते हैं। ये देखिए जी, ये पंजियाँ वगैरह रखी हुई है, ये पंजियाँ मारते, पंजियाँ मार के जो है ना जी इसको हर जगह से खुश किया जाता है। ये पंजी मारते हैं जी बनौला के, गट्टू वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने, ये गट्टुओं में से अनलोड कर लिया गया है बनौला,
और जो है ना यहाँ पर सुखाई के लिए डाल दिया गया है। ये गट्टू बोरियाँ वगैरह जो है इसमें ये लोड होकर आया था बनौला, तो ये यहाँ पर अभी इन्होंने रख दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुख्तलिफ जगहों पर रखे पड़े हैं गट्टू। ये यहाँ पर सुखाई करने के बाद दोबारा जो है जी इन्हीं के अंदर ये भर देंगे, और इनके अंदर भरने के बाद जो है ये दोबारा जो है ना जी ट्राले पर लोड होकर सूखने के बाद ट्राले पर लोड होकर जो है ना ये वापस घी मिलों में और ऑयल मिलों में चले जाएंगे, जहाँ पर जो है ना जी इनका इस्तेमाल होता है। तो जो है ना जी ये है जी बनौला की कहानी। आज का हमारे व्लॉग का टॉपिक ये बनौला के ऊपर था कि जो है ना जी इसकी सुखाई कैसे की जाती है, और जो है ना जी ये कैसे जो है बनौला यहाँ पर जो है ना सूखने के लिए आता है, लेबर इसको कैसे सुखाती है। उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।